नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त खड़ा है इस कार्यक्रम में बरेली के सभी व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी व उनके सभी व्यापारी लोग आज मौजूद हैं। और ये कार्यक्रम चलाने का एक मेन उद्देश्य ये रहा है कि जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है उसको लेकर आज यहाँ पर जिलाधिकारी बरेली, SSP, DIG, IG व नगर आयुक्त भी मौजूद हैं। इन लोगों का एक मोटिव है कि यहाँ पर जो भी बरेली में जितना स्मार्ट सिटी को लेकर अतिक्रमण फैलाया गया है उसको हटाया जाए, और यहाँ पर जितने भी व्यापारी मौजूद थे उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं और अपनी समस्याओं का समाधान की मांग भी की है। आज जनपद बरेली में यहाँ पे सभी व्यापारियों के संघ में एक बैठक की गई है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि व्यापारियों के संघ संवाद कायम रहे और हम लोग उनसे संवाद करते हुए किस प्रकार से यातायात को बेहतर बनाना है, सड़क सुरक्षा को बेहतर करना है और कैसे नगरीय जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं, इसमें उनसे सहयोग लिया जाए, उनसे संवाद किया जाए और किस प्रकार से उनका सहयोग लेते हुए संवाद करते हुए प्रशासन अपना काम करे जिससे ट्रैफिक अच्छा चले, कहीं अतिक्रमण ना हो और साथ ही साथ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है नगरीय जीवन की उसको हम बेहतर कर सकें। इसके संबंध में लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया उस पर बात की गई, उन लोगों से संवाद कायम किया गया। और एक बहुत अच्छी बात इस मीटिंग की रही है कि व्यापारियों के अंदर से स्वतः ये सजेशन और ये अपील एक दूसरे के लिए निकली है कि किसी तरफ अतिक्रमण हम लोग ना करें, किस विभाग के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाना है और किस कार्य पे उन्हें ध्यान देना है, इस संबंध में भी बहुमूल्य सुझाव उनके प्राप्त हुए हैं, जिसमें DM बरेली और SSP बरेली ने सभी को आश्वस्त किया है कि उनके सुझावों पर अब फर्दर आगे और कार्रवाइयाँ होंगी। संवाद का ये कार्यक्रम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इस पॉजिटिव नोट के साथ में आज ये बैठक संपन्न हुई। सर, ये व्यापारियों ने आज कुछ समस्याएं भी अपनी रखी हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? व्यापारियों की जो समस्याएं बताई वो मैंने आपसे कहा कि जो समस्याएं और सुझाव हैं उसके संबंध में DM और SSP ने बताया है कि अब वो लोकल एरिया पर उनको कंसिडर करेंगे और लोकल एरिया पर उसके ऊपर आगे अग्रिम कार्रवाई होगी। समाधान निकाला जाए जिससे किसी भी समस्या ना हो, लेकिन सबका जो जीवन स्तर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो सुधार उसमें आए।